राजनीति चलती रहेगी, सब चलता रहेगा, मेरे पिताजी कभी वापस नहीं आएंगे। मैं हूँ, मेरी बहन है, हमारी भी शादी नहीं हुई है। मेरे पिताजी को हमेशा कहते थे कि उनको हमारे बच्चे देखने हैं, ये देखने हैं, तो वो पल उनसे छीने गए हैं और वो कोई नेचुरल तरीके से हुआ नहीं है, ये उनसे छीने गए हैं। और ये छीने गए हैं उनकी लड़ाई लड़ते हुए, जब वो लड़ाई लड़ते रहे थे गरीबों के लिए, गरीबों के हक के लिए, और उसी लड़ाई में उनकी जान गई है। अभी जो हम घड़ी पहने हैं, दिल में भी घड़ी रखे है, 2019 में भी तो घड़ी के साथ ही चुनाव लड़े थे, मगर ठीक है, अब कांग्रेस ने वापस शिवसेना और बट्टा के प्रेशर में आके अपनी सीट उनको दे दी, तो क्या ही कहेंगे जब वो समझेंगे कि जो उनके वो अपने दोस्त समझते हैं वो ही दुश्मन है, तब दूर रहेगा। ये सारे जो लोग हैं हम सब कांग्रेस में ही थे। जिशान सिद्दीकी, अब जो है एनसीपी, अजीत पवार का जो पार्टी है ऑफिशियली एनसीपी, उसमें ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस छोड़कर हमारे साथ खुद मौजूद हैं। जिशान, कितनी बदल गई है जिंदगी, पार्टी तो बदली बदली है, जिंदगी कितनी बदल गई है एबी फॉर्म के साथ आप खड़े? एबी फॉर्म राजनीति सब अलग बात है, जिंदगी जो पहले थी वो जिंदगी तो वापस कभी सेम रहेगी नहीं 12 अक्टूबर के बाद। और मेरे घर का जो माहौल है, जो घर में जो हलचल थी, जो रौनक थी, वो ठीक है, वो तो कभी आएगी, वो वापस आएगी नहीं आएगी वो मैं आपको कुछ जवाब नहीं देना चाहूंगा। पर जो एक कठिन समय है, इस कठिन समय में जो अजीत दादा ने साथ दिया, प्रफुल्ल पटेल जी ने साथ दिया, तत्करे साहब ने साथ दिया, सुनील तत्करे जी ने, उसके लिए मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि कठिन समय में उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और वांद्रे पूर्व की जनता के जो एक मांग थी कि मैं वापस आमदार बनूं, उनकी मांग को सराखों रखकर आज मुझे ए बी फॉर्म दिया है। आप थोड़े इमोशनल हो जा रहे हैं क्योंकि आपने अभी कल ही वो एक फोटो जो है ट्वीट किया था जिसमें आपके पिता पहली बार जब आप आमदार बने थे तो आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे थे, आज इतना बड़ा कदम आपने उठाया लेकिन वो साथ नहीं। राजनीति चलती रहेगी, सब चलता रहेगा, मेरे पिताजी कभी वापस नहीं आएंगे। मैं हूँ, मेरी बहन है, हमारी भी शादी नहीं हुई है। मेरे पिताजी को हमेशा कहते थे कि उनको हमारे बच्चे देखने हैं, ये देखने हैं, तो वो पल उनसे छीने गए हैं और वो कोई नेचुरल तरीके से हुआ नहीं है, ये उनसे छीने गए हैं। और ये छीने गए हैं उनकी लड़ाई लड़ते हुए, जब वो लड़ाई लड़ते रहे थे गरीबों के लिए, गरीबों के हक के लिए, और उसी लड़ाई में उनकी जान गई है और मुझे यकीन है कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। और ये न्याय की लड़ाई में मेरे रगों में उनका खून चल रहा है, तो मैं तो उनकी लड़ाई जरूर लड़ूंगा। कोई लोग अफवाह फैला रहे थे कि जिशान लड़ेगा नहीं, मैंने मेरी माँ से परमिशन लिया है, मेरी बहन से परमिशन लिया है, और खोने को क्या है, खोने को कुछ नहीं है, हिम्मत है, हिम्मत बरकरार है, मैं बाबा सिद्दीकी का बेटा हूँ और लड़ाई लड़ूंगा और जीतूंगा। आपको क्या लगता है ये जो साजिश को लेकर आपने एसआरए की बातें कही थी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जो है आ रहा है, आप क्या समझते हैं जो है सही मायने में कॉन्स्पिरेसी क्या रही है, क्योंकि आपने स्टेटमेंट क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस दोनों ने रिकॉर्ड किया? मैंने मेरे स्टेटमेंट में जो मुझे लगा मैंने वो स्टेटमेंट दिया, और मेरे और मेरे परिवार को जिस जो चीज़ें लगी, जिस पे शक है, जो भी है, मैंने पुलिस को बोला है। मुझे उम्मीद है पुलिस हर एक एंगल चेक करेगी और कई चीज़ें मेरे पिताजी के अस्पताल पहुंचने से पहले ही मीडिया में चल गई थी, तो जो चीज़ें हैं सच है वो बाहर आएगा, और मुझे यकीन है मुंबई पुलिस जो है वो न्याय जरूर देगी मेरे और मेरे परिवार के लिए, पूरे मुंबई के लिए, पूरे देश के लिए। कांग्रेस के साथ आपका रिश्ता पुराना रहा है, आप एमएलए रहे हैं, लेकिन अभी पार्टी ने आपके साथ न्याय नहीं किया, आपको लगता है? नहीं, देखिए कांग्रेस बचपन से कांग्रेस में है, अभी तक कांग्रेस में थे, अभी जो हम घड़ी पहने हैं, दिल में भी घड़ी रखे है, 2019 में भी तो घड़ी के साथ ही चुनाव लड़े थे, मगर ठीक है, अब कांग्रेस ने वापस शिवसेना और बट्टा के प्रेशर में आके अपनी सीट उनको दे दी, तो क्या ही कहेंगे जब वो समझेंगे कि जो उनके वो अपने दोस्त समझते हैं वो ही दुश्मन है, तब दूर रहेगा। ये सारे जो लोग हैं हम सब कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता आज राष्ट्रवादी में है, वांद्रे पूर्व से, पूरे मुंबई से, महाराष्ट्र से फोन आ रहे हैं, तो ठीक है, कांग्रेस अगर अपने अलायंस पार्टनर्स की वजह से अपने कैडर को नाराज करेगी तो ये दुख की बात है। वरुण सरदेसाई के बारे में क्या कहेंगे जो सामने आपके खड़े हैं? वो चुनाव लड़े, उनको भी हक है चुनाव लड़ने का, उनकी क्या गलती है उसमें, चुनाव लड़िए और हम भी चुनाव लड़ेंगे, जनता मेरे साथ है, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री वांद्रे पूर्व से हम करेंगे। आखिरी सवाल सर, आपको जो है अब काफी ज्यादा सिक्योरिटी दी जा रही है, जिंदगी काफी बदल गई है? जिंदगी, मैंने कहा, जिंदगी
जो बदली है वो ये सिक्योरिटी है, सी है, मगर मेरे पिताजी तो वापस नहीं आ सकते ना, तो ठीक है इसमें मैं क्या कह सकते हैं। ये थे जिशान सिद्दीकी, जिनका साफ तौर पर कहना है जिंदगी अब काफी बदल चुकी है। सिक्योरिटी गार्ड के बीच में बुलेट प्रूफ गाड़ियों में अब वो बैठ कर सफर कर रहे हैं। नई जिंदगी नई पारी, शुरुआत उन्होंने एनसीपी के साथ की है, बम्पर वोट से जीतेंगे ऐसा वो दम भरते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। परसों आपने देखा महाविकास आघाड़ी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास आघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे, कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनपोस्ट करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, मगर उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने सब किया। और इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का यह अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है, वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है और मेरे रगों में उनका खून है और मैं पूरी तरीके से ये जो लड़ाई है वो आगे उनके लिए मैं लड़ता रहूंगा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से इस बार हम वांद्रेपुर में जिता के दिखाएंगे राष्ट्रवादी के सिंबल से। आज सुबह मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने सपोर्टर्स के साथ आया हूं और पूरे वांद्रेपुर में उत्सुकता है और मुझे यकीन है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से मैं जीत के आऊंगा वांद्रेपुर में। बाबा सिद्दीकी जी के निधन के बाद कांग्रेस के लोग आपसे मिलने आए थे, हमने देखा, लेकिन टिकट को लेकर कोई चर्चा, कोई संपर्क किसी तरह? बहुत लोगों ने बहुत सारी राजनीतिक बात की, राजनीतिक मुद्दा उठाया। मैंने मेरा बाप खोया है और मेरे बाप खोने के समय में भी बहुत लोगों ने राजनीति माहौल बनाया, उसका राजनीति गलत तरीके से उपयोग किया, गलत गलत वादे किए, गलत गलत पर्दों में रखा। मगर देखिए आज न तो कल हम सबको ऊपर जाके चेहरा दिखाना है और अगर किसी के नब्स में अगर बेमानी हो तो उसको कुछ कह नहीं सकते। हमेशा मैं कांग्रेस के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि बेचारे हमेशा शिवसेना उबट्टा के प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, कुछ मैंने बहुत साल कांग्रेस में बिताए हैं, जब से होश संभाला है कांग्रेस में ही था, दुख तो है कांग्रेस ने हमेशा वैल्यू नहीं किया, मगर ठीक है इस बार शिवसेना जब वो जान जाएंगे कि शिवसेना उबट्टा सही नहीं है तो मुझे लगता है कांग्रेस कार्यकर्ता और भी खुश रहेंगे। हमने राष्ट्रवादी ने मुझे पे भरोसा किया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और जिसने हमें इस कठिन समय पर सम्मान दिया उसके साथ हम हमेशा रहेंगे। लेकिन ये आपके परिवार के लिए बहुत मुश्किल समय था, आपके लिए बहुत मुश्किल समय था और बाबा सिद्दीकी ने लगभग अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दिया था, उसके बाद भी टिकट के लिए आपसे कोई चर्चा नहीं हुई सीट उबट्टा को देने से पहले? यही तो है महाविकास आघाड़ी, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है और मैं क्या ही कह सकता हूँ। Thank you.